Assalamu alaikum students. I hope you are fine. Okay, now we will discuss about the UniProt. So UniProt jo hai wo ek protein ki database hai. And I think maine aap logon ke sath already discuss kiya tha ke NCBI se hum logon ne data retrieve karna seekh liya hai. उसके अलावा ब्लास्ट एंड अलाइनमेंट वगैरह ये भी हमारा कवर हो चुका है. और अभी मैं चाह रही थी कि ना आपको यूनीप्रॉट का बताऊं कि यूनीप्रॉट से आप डेटा जो है वो कैसे रिट्रीव कर सकते हैं. इट्स रियली अमेजिंग डेटाबेस. सो यूनी मींस यूनिवर्सल एंड प्रॉट मीन प्रोटीन. सो इट्स अ यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स और यू कैन से इट्स अ यूनिवर्सल प्रोटीन डेटाबेस. Okay, so this is a welcome page of the UniProt, or you can say it's a home page of the UniProt. Basically, अगर आपने किसी भी डेटाबेस को लर्न करना है लाइक उसमें से डेटा रिट्रीव करना है या आपने उस पर कोई एनालिसिस वगैरह उसके डेटा पे परफॉर्म करना है, उसके कोई टूल्स उस डेटाबेस पे जो दिए होते हैं वो यूज़ करना सीखने हैं, तो उसके लिए होता है कि हम उसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करें. तो बट आई वाज थिंकिंग के मैं आपको थोड़ा सा थ्रेटिकली बताऊं और उसके साथ ही फिर हम लोग इसको डेटाबेस को प्रैक्टिकली जो है इसको ओपन करके और देन मैं आपको उस पर बताऊँ कैसे रिट्रीवल करनी है और आप उस पर क्या कौन कौन से टूल्स वगैरह यूज़ कर सकते थे. सो दिस द होम पेज ऑफ द UniProt. सो व्हाट्स द मिशन ऑफ UniProt? द मिशन ऑफ UniProt इज़ टू प्रोवाइड द साइंटिफिक कम्युनिटी विद अ कॉम्प्रिहेंसिव high quality and freely accessible source of protein sequence and functional information. So I think a little bit aapko thoda like pata chal gaya hoga ke is database jo hai hame ye kaun kaun si services jo hai wo provide karti hai. Acha yahan sabse pehle main ek baat batana chahungi, humne primary aur secondary databases ke bare mein padha hai. I hope ke aap logo ko uska concept clear ho chuka hoga because kafi classes mein kafi databases ke liye hum logo ne iski discussion ki thi. Acha UniProt ke bare mein aapko bata deta hu, ye na ek hybrid database hai. Aur ye hybrid database kyun hai? हाइब्रिड का मतलब होता है ना के लाइक ये हम कह सकते हैं कि इट्स ये हम इसे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है ना, तो डेट्स वाई मैंने इसको कह दिया कि ये एक हाइब्रिड डेटाबेस है. इसमें सेकेंडरी डेटा भी होता है और प्राइमरी डेटा भी होता है. और प्राइमरी और सेकेंडरी डेटाबेस डेटा कैसे होता है, क्यों हम इसको हाइब्रिड बोलते हैं, ये नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ. तो UniProt से आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोटीन की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अब इंफॉर्मेशन प्रोटीन की क्या हो सकती है, आप उसके सीक्वेंस की लेना चाह रहे हैं, आप उसके फंक्शन की लेना चाह रहे हैं, तो UniProt इज हियर और ये आपको सारी इंफॉर्मेशन इस तरह की प्रोवाइड करेगी. अगर यहाँ पर हमारे पास होता है डेटा, सो इट जस्ट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा एंड नॉलेज. अगर आपके पास प्रोटीन सीक्वेंस है तो आप उसको क्या फाइंड कर सकते हैं, देन फंक्शन जो कि वो प्रोटीन जो है वो लाइक वो प्रोटीन जो फंक्शन कोई भी परफॉर्म कर सकती है, हम उसका उस प्रोटीन के सीक्वेंस का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, फंक्शन जो है हम पता लगा सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज UniProt. सो UniProt इज द यूनिवर्सल प्रोटीन रिसोर्स, इज एब्रिविएशन ऑफ UniProt इज एब्रिविएशन ऑफ दिस वन. इट्स अ सेंट्रल रिपोजिटरी और यू कैन से इट्स अ स्टोरेज एरिया और यू कैन से इट्स अ डेटाबेस. ओके, ऑफ प्रोटीन डेटा. Secondly, UniProt is comprehensive, like it's in a large scope, and it's giving you a high quality data, and it is freely accessible, and you can access this database from this URL, okay? From this. Okay, so यहाँ पर है हमारे पास के UniProt consortium. आई होप आपको ना कंसोर्शियम का पता होगा. यू नो कंसोर्शियम इज जस्ट लाइक अ एसोसिएशन, अगर हम कंसोर्शियम को एसोसिएशन भी कह सकते हैं ना, तो हम किसी इसको जैसे किसी कंपनी की अगर हम बात करें ना, हम कहते हैं ये कंपनी जो है या ये जो अदारा है ये दो तीन कंपनी से मिलकर बना है. जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है, ये दो तीन कंपनीज मर्ज हुई हैं देन ये कंपनी बनी है. ठीक है ना, इस तरह से आप समझ सकते हैं. तो UniProt जो कंसोर्शियम है
वो किस किस की कंसोर्शियम है, किस किस की एसोसिएशन से बनी हुई है. द फर्स्ट वन इज ईबीआई. आई थिंक यू आर वेरी फेमिलियर विद दिस इंस्टीट्यूट, यूरोपियन बायोइनफॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट. एंड इनकी डेटाबेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है. ये जो अगर सर्विसेज ईएमबीएल, ये अगर अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं बायोइनफॉर्मेटिक्स की, तो आई थिंक INSDC आपको सारा रिकॉल हो गया होगा. हमने इसके बारे में काफ़ी डिटेल से बात की, अब यहाँ नहीं करेंगे. ठीक है. ओके, द सेकेंड वन इज SIB. इट्स अ स्विस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स. एंड द थर्ड वन इज PIR, प्रोटीन इंफॉर्मेशन रिसोर्स. तो यूनिप्रॉट जो है इन तीनों की एसोसिएशन से बनी है. क्या है यूनिप्रॉट? तो इसलिए ना ये रीजन है जो मैं आपको बता रही थी ना कि ये डेटाबेस ना तो प्राइमरी है ना सेकेंडरी है, ये क्या है हाइब्रिड डेटाबेस है ना. तो यहाँ पर ये है कि यहाँ हमारे पास पोस्ट प्राइमरी डाटा है, ये हमें सेकेंडरी प्रोवाइड करती है और ये भी हमें सेकेंडरी, जैसे अगर हम कहेंगे PIR का हमने पढ़ा था, ये हमें सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है ना. तो क्योंकि अब ये किसकी एसोसिएशन से बनी है, सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा दोनों की एसोसिएशन से बनी है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं इट्स अ हाइब्रिड डेटाबेस. सो वट इज द यूज ऑफ यूनीप्रॉट? सो यू कैन से इट्स यूजफुल इन फाइंड द प्रोटीन सीक्वेंस एंड फंक्शनल इंफॉर्मेशन, एज वी ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस वन. सो इट कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोटीन. तो ये आपको प्रोटीन, जब हम इसे सर्च भी करेंगे, इस डेटाबेस को यूज़ भी करेंगे, वहाँ से डेटा रिट्रीव करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप प्रोटीन के बारे में का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ये आपको साथ में प्रोवाइड करेगी. ओके, सो इट्स यूजफुल फॉर इन्फेरिंग एवोल्यूशनरी इन्फॉर्मेशन. ऑफ कोर्स अगर आप किसी उनके एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो ये आपको उसके लिए भी यूजफुल है आपके लिए. सो वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स बाय स्टडिंग प्रॉपर्टीज सच एज बायोलॉजिकल प्रोसेसेस दे आर इन्वॉल्व इन, सेकेंडली देयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, थर्डली देयर इंट्रैक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स, लाइक यू कैन से और यू कैन से इट्स काइंड ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन. देयर द फोर्थ वन इज इट्स देयर लोकेशन इन द सेल एंड ऑर्गेनिज्म. सो ये जितना भी हम कह रहे हैं ना कि हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में इस तरह से स्टडी कर सकते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ना हमारे पास इस डेटाबेस में पड़ी होती है कि आप उसके फंक्शन को इन फोर लेवल्स पे जाकर इन पे इंफॉर्मेशन जो वहाँ से गेट कर सकते हो. सो आई जस्ट ट्राई टू गिव इट गिव यू हियर सम काइंड ऑफ लेआउट ऑफ दिस डेटाबेस. तो इस यूनिप्रॉट की डेटाबेस में ऐसा होता है कि आपके पास यहाँ पर यूनिपार्क होगा, यूनिरेफ होगा और यूनिप्रॉट के भी. जब आप इस डेटाबेस को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो वहाँ पर ये तीन चीज़ें आपको वहाँ नजर आएंगी ना. अगर वहाँ पर यूनिपार्क होगा तो इसका मतलब क्या है कि इट्स अ कम्प्रीहेंसिव सीक्वेंस आर्काइव विद सीक्वेंस हिस्ट्री. तो इसमें आपको सारे सीक्वेंसेस वगैरह मिलेंगे, ठीक है, यूनिपार्क में. अगर आप यूनिरेफ पे जाएंगे तो यूनिरेफ आपको किसके लिए हेल्पफुल होगा, इट विल गिव यू दी नॉन रिडंडेंट रेफरेंस डेटाबेस फॉर सीक्वेंस सर्च. ओके, सो ये रेफरेंस डेटाबेस वगैरह की आई थिंक मैंने आपको NCBI जब हमने किया था तो तभी इस बारे में थोड़ा बताया था. एंड द थर्ड वन इज यूनीप्रॉट KB. इट्स अ नॉलेज बेस विथ फुल क्लासिफिकेशन एंड फंक्शनल एनोटेशन. और अगर आप इसका थर्ड पार्ट यूज करोगे, ये ना एक्चुअली कॉम्पोनेंट है, आप इन्हें कॉम्पोनेंट समझ सकते हो. दीज आर द कॉम्पोनेंट ऑफ यूनीप्रॉट डेटाबेस, द फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन. अच्छा, ये यूनीप्रॉट KB जो है इसको हम कहते हैं KB स्टैंड फॉर नॉलेज बेस. ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ना नॉलेज बेस का थोड़ा शायद आपने टर्म सुनी होगी ना. इट्स काइंड ऑफ द क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम जो कि हमें क्या करता है कि डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को जो है वो गेट करता है, ताकि हम उस पर कोई भी फर्दर जो है स्टडी कर सकें. कुछ भी इंफॉर्मेशन वगैरह हमें डिफरेंट सोर्सेज या लिटरेचर वगैरह से देगा, ताकि हम उसके ऊपर कुछ भी डेटा को आगे फर्दर वहाँ से रिट्रीव करके कुछ भी उस पर एनालिसिस वगैरह परफॉर्म कर सकें. ठीक है, तो ये जो नॉलेज बेस सिस्टम होते हैं ना, ये ना इनके पीछे ना AI का, शायद आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना होगा ना, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं. जितने भी नॉलेज बेस आप कहीं भी सुने कि ये नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, तो इट मीन्स कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, उसके पीछे रन हो रही है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब जो यूनिपार्क है, इसका ये कंपोनेंट जो है, उसमें डाटा जो है हमने कहा कौन सा डाटा पड़ा होता है, प्रोटीन की जितनी भी सीक्वेंस वगैरह का डाटा है ना, वो आपको यूनिपार्क में मिलेगा. अब ये प्रोटीन की सीक्वेंस का डाटा आता कहाँ कहाँ से है, ये सारी डाटाबेस है जहाँ से जो डाटा है यूनिपार्क में आता है.
स्विस प्रॉट से, ट्रैम्बल से, ये ट्रैम्बल वगैरह की ना हम जब पेज ओपन करेंगे ना, लाइक जब प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लोर करते हैं ना जाके, तब मैं बताती हूँ क्या है। तो PAER से आप ले सकते हैं, REF6 से, GenBank और EMBL, DDB जैसे इसमें आता है, एग्जाम्पल से इसमें आता है, PDP का डाटा इसमें आता है, पेटेंट डाटा जो होता है वो आता है, एंड अदर अगर कुछ भी और प्रोटीन्स वगैरह इसके साथ इंटीग्रेट, सॉरी और डेटाबेस इसके साथ इंटीग्रेट की हुई है, तो उसका डाटा भी यहाँ पर आएगा। तो बात यह है कि समझाने का मतलब यह है कि यहाँ पर यूनीप्रॉट में जितना भी प्रोटीन के सीक्वेंसेस का डाटा पड़ा होता है, वो इन सब में जो यूज़र, अगर सपोज किसी यूज़र ने GenBank, EMBL, DDBJ में जाकर डाटा सबमिट किया है, तो वो यहाँ पर भी इसको एक्सेस कर सकता है, उसकी एंट्री आप यूनीप्रॉट में भी देख सकते हो। ओके, सो द सेकेंड वन इज यूनीप्रॉट नॉलेज बेस। उसमें इन्होंने बताया हुआ है कौन सा डाटा होता है जिसमें आपको नॉलेज बेस का कॉन्सेप्ट दिया है। आप इसमें क्लासिफिकेशन देख सकते हो और लिटरेचर बेस्ड एंड ऑटोमेटिक एनोटेशन होती है। ठीक है, ऑटोमेटिक एनोटेशन कैसे होती है? बिकॉज कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज सिस्टम, तो इस दीज आर ऑल द कंप्यूटर सिस्टम, तो इसलिए इसमें जो भी एनोटेशन वगैरह होगी वो ऑटोमेटिक है। एंड द नेक्स्ट वन इज आपके पास क्लस्टरिंग डाटा आपके पास पड़ा होगा। ठीक है ना, तो क्लस्टरिंग डाटा में इसको हम बहुत ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, जो यूनी रेफ में डाटा पड़ा होता है ना, यूनी रेफ में इसमें से हम लोग क्या करेंगे, अपनी सीक्वेंस को नॉन रिडंडेंट डाटा जो होगा ना वो हम जरूर गेट करेंगे। लाइक बट आपका वर्क जो होगा हमारा क्लस्टर्स पे इतना वर्क नहीं होगा कि हम कौन से क्लस्टर का कर रहे हैं ना। मोस्टली जैसे हमारे पास सबसे पहले क्लस्टर होता है 100, दूसरा उसके बाद होता है 90, उसके बाद होता है 50, तीन क्लस्टर होते हैं। और ये क्लस्टर किसकी बेस पे होते हैं? आइडेंटिटी परसेंटेज की बेस पे होते हैं। ठीक है, तो जो क्लस्टर यहाँ पर यूनिरेफ 100 दिया हुआ है ना, इसका मतलब है कि जो सीक्वेंसेस के दरमियान 100% आइडेंटिटी आई है उसकी बेस पे क्लस्टर बनाया और उसका डेटा यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद ये जो क्लस्टर है ना 90, ये 100 जो यूनिरेफ 100 है ना, इसकी बेस पे ही बनाया जाता है, बट वहाँ पर उसका आइडेंटिटी का लेवल कितना रख लेते हैं? 90%। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर जो यूनिरेफ 50 क्लस्टरिंग की जाती है वो किससे की जाती है? 90 से की जाती है, बट यहाँ पर क्लस्टरिंग का, यहाँ पर आइडेंटिटी कितनी ली जाती है? 50% ली जाती है। तो ये तीन तरह के आपके पास क्लस्टर्स पड़े होंगे यूनिरेफ डेटाबेस में। ये नहीं है कि हम इसे यूज़ नहीं करेंगे, ये बहुत यूजफुल है, बट मैं कह रही हूँ कि हमारे पास ना क्लस्टरिंग का इतना नहीं होगा हम लोग, और मोस्टली जो होता है वो 100% आइडेंटिटी वाली चीज़ को ही प्रेफरेंस देते हैं। सो एनी अदर थिंग दैट आई, तो ये जो है यहाँ पर आप इसके तीन कंपोनेंट देख सकते हो। ठीक है, और इसका ये कंपोनेंट जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट होता है, फिर ये वाला कंपोनेंट जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट होता है। ठीक है, और ये वाला कंपोनेंट जो है यूनिपाथ वो डायरेक्टली जो है क्लस्टरिंग वाले कंपोनेंट के साथ भी इंटीग्रेट करता है। तो आज लाइक इस सेमेस्टर में ना आप डेटा बेसिस का आई थिंक कोर्स पढ़ रहे हो, तो आपको इसकी ज़्यादा अच्छी समझ आई होगी। सो द नेक्स्ट वन इज द डिटेल कंपोनेंट्स। ये अभी जो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, यूनिप्रॉट आर काल, तो ये एब्रीवेशन जो है ना यूनिपार्क, यूनिपार्क में कर रहे थे यूनिप्रॉट आर काल। और यूनिप्रॉट किसकी एब्रीवेशन है ये हम बात कर चुके हैं। यूनिपार्क कंटेन्स ओनली प्रोटीन सीक्वेंसेस, यूनिपार्क में हमारे पास जस्ट सीक्वेंसेज होंगे। ठीक है, यहाँ ये आप टैब देख रहे हैं ना, ये जब यहाँ हम इसे क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ हमारे पास ना, सॉरी, यहाँ हमारे पास पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है। जब हम डेटाबेस पे जाएंगे ना तो पूरी लिस्ट ओपन हो जाती है, वहाँ से अगर आपने सीक्वेंसेस वगैरह रिट्रीव करनी है तो आप यूनिपार्क पे जाएंगे, यूनिपार्क को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ आपकी जो भी क्वेरी है, आप जिस प्रोटीन की भी सीक्वेंस गेट करना चाह रहे हो आप यहाँ पर होगा। ठीक है, दिस इज योर रिट्रीवल सिस्टम, ये सर्च बार है जो आपकी डेटाबेस में जाकर जो भी आपने प्रोटीन का डेटा आप फाइंड करना चाह रहे हो उसके बारे में बताएंगे। ओके, सो यू कैन से द यूनिपार्क इज हियर, सीक्वेंस आर फाइव। और ये दूसरा कंपोनेंट है उसका, दैट्स कॉल्ड द प्रोटियोम्स। तो अगेन आप यहाँ पर लिस्ट में से प्रोटियोम्स अगर सेलेक्ट करेंगे तो आपको जितनी भी, आप किसी भी स्पीशी के प्रोटियोम की जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप यहाँ पर उस स्पीशीज का नाम लिखेंगे तो आपको यहाँ जस्ट जो है उस स्पीशी के प्रोटियोम की फुल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। ओके, सो अ प्रोटियोम दैट्स कंसिस्ट ऑफ द सेट ऑफ प्रोटीन, यू नो प्रोटियोम सेट ऑफ प्रोटीन होता है ना, so it thought to be expressed by an organism whose genome has been completely sequenced. तो जिन ऑर्गेनिज्म का जीनोम जो है वो कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड हुआ होता है,
तो उसकी सेट ऑफ प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटियोम। ओके, सो दिस द रेफरेंस प्रोटियोम सेट यू कैन फाइंड। अच्छा, वहाँ पर ना जब आपके पास ना प्रोटियोम्स, सपोज आप इकोलाई का प्रोटियोम यहाँ से डेटाबेस से अगर रिट्रीव करना चाहें ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके पास जब एंट्रीज इकोलाई की आएंगी ना, एक से ज़्यादा एंट्रीज, ज़्यादा डेटा पड़ा होता है ना उसमें, तो वहाँ पर आपके पास जिसके साथ सीक्वेंस के साथ इस तरह से आर होगा ना, ये जो है हमारे पास इस तरह से लेबलिंग की होगी ना, तो आइकन इस तरह का होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, ये रेफरेंस प्रोटियोम सेट है। ओके, सो इट्स कवर वेल स्टडीड मॉडल ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ इंटरेस्ट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च एंड फाइलोजी। तो रेफरेंस प्रोटियोम हमारे पास क्या होता है, जो कि वेल स्टडीड होता है, उसको हम एज अ रेफरेंस प्रोटियोम लेते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस प्रोटियोम आपको ऐसे चलेगा विद दिस आइकॉन। एंड नेक्स्ट वन इज यूनीप्रोट केबी, दैट्स ओरिजिन ऑफ प्रोटीन सीक्वेंसेस। ओके, यूनीप्रोट केबी में क्या होता है, यूनीप्रोट केबी सीक्वेंसेस आर मेनली ड्राइव्ड फ्रॉम, ये जस्ट मैंने ऐड किया था आप लोगों को एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन थ्रेटिकली आपको चाहिए थी वो बस इसमें दिया, बाकी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। ओके, सो जो यूनीप्रोट केबी में प्रोटीन सीक्वेंसेस होती हैं वो कहाँ कहाँ से ड्राइव होती हैं, INSDC, आई थिंक INSDC का आपको ना बड़ा अच्छे से याद हो गया होगा, INSDC किस किस कोई कलेबोरेशन या किस किस को मिरर प्रोवाइड करता है, किन किन डेटाबेस का मिरर जो है वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो 85% यहाँ मुझे आपको बताना था कि जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से आती है, यूनीप्रोट के बी में INSDC से, दैट्स अ ट्रांसलेटेड सबमिटेड कोडिंग सीक्वेंस, जिसमें भी जितने भी इसके CDS जो हैं, लाइक के हमारे पास INSDC जो डेटाबेसिस है ना, किसकी किन डेटाबेसिस का मिरर है, हमारे पास NCBI का, EMBL और DDBJ, इन तीन डेटाबेसिस का है ना, तो इन डेटाबेसिस में तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप की इन्फॉर्मेशन होती है ना, न्यूक्लियोटाइड की भी होती है, पूरे जीनोम की भी होती है, जीन की भी होती है, प्रोटीन की भी होती है, तो INSDC की जो कोडिंग सीक्वेंसेस होती है ना, वो यहाँ पर यूनीप्रोट केबी में जो है वो फर्दर जो है सबमिट होती है, अभी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो 85% जो यूनीप्रोट केबी में डेटा पड़ा होता है वो 85% कहाँ से आता है, INSDC। और कोडिंग सीक्वेंसेस क्यों होनी चाहिए, बिकॉज हम यूनीप्रोट केबी जो है वो प्रोटीन की डेटाबेस है ना, तो कोडिंग सीक्वेंसेस हमें पता ही आगे जाके क्या कोड करती है, प्रोटीन, तो इसलिए INSDC का 85% और वो भी कोडिंग किसको किस में होता है, यूनीप्रोट केबी। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एग्जाम्पल, दैट्स अ जीन प्रडिक्शन एंड रफ सीक्वेंसेस, एग्जाम्पल भी बहुत अच्छी डेटाबेस है रिसर्च वगैरह के पर्पज के लिए, ये ब्लैक इस काइंड ऑफ द जीनोम ब्राउजर, तो हम इनशाला इस सेमेस्टर में कोशिश करेंगे तो इस डेटाबेस को भी थोड़ा एक्सप्लोर करें, ये इस काइंड ऑफ ब्राउजर। एंड द नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंसेस ऑफ PDB स्ट्रक्चर, तो PDB के मैंने ना आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, बायोलॉजिकल डेटाबेसिस में PDB जो है ना, वो हमें इसमें सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स वगैरह पड़े होते हैं। एंड थर्ड वन इज द डायरेक्ट सबमिशन और सीक्वेंसेस दैट स्कैन फ्रॉम लिटरेचर, और इस तरह के सबमिशन या तो डायरेक्ट सबमिशन जो कोई भी यूजर्स वगैरह वहाँ करवाते हैं, जैसे रिसर्चर्स अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन की वहाँ सबमिट करवाएंगे वो, या आप कह सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिटरेचर से गेट की हो, जो ऑलरेडी पब्लिश होता है ना लिटरेचर, वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन गेट की हो, तो इस तरह का डेटा भी यूनीप्रोट के वी में मिलता है। तो इन थ्री टाइप्स का डेटा, टोटल 15% इनका यूनीप्रोट के वी में, और इसका 85%। अच्छा, इसका 85% इसलिए होता है कि INSDC जो है उसके पीछे जो तीन डेटाबेसिस रन हो रही है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग सी हैं, और उनमें डेटा जो है NCBI, EMBL, DDBJ, इनमें बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा होता है ना, इसलिए इसका 85% जो है ना इस पे यूनीप्रोट के वी के सीक्वेंस को बना रहा है। ठीक है, ओके, तो दे आर सम काइंड ऑफ द नॉट, यूनीप्रोट इज नॉट डूइंग एनी जीन प्रडिक्शन, तो कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर आपको प्रोवाइड नहीं है ना, यूनीप्रोट क्या नहीं करता, जीन प्रडिक्शन नहीं करता, एंड मोस्ट नॉन जर्म लाइन इम्यूनोग्लोबुलिन्स जैसे टी सेल रिसेप्टर्स एंड मोस्ट पेटेंट सीक्वेंसेस हाईली ओवर रिप्रेजेंटेड डेटा, सुडो जीन्स सीक्वेंसेस आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूनीप्रोट के बी बट स्टोर्ड इन यूनीपार्ट। तो अगर आप इस तरह का डेटा जो है यूनीप्रोट के बी में फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट प्रेजेंट देयर बट यू कैन फाइंड इट इन यूनीपार्ट। ओके, एंड डेटा फ्रॉम द PIR डेटाबेस हैव बीन इंटीग्रेटेड इन यूनीप्रोट के बी सिंस 2003। तो मैंने आपको बताया था ना PIR का डेटा भी जो है वो किस में इंटीग्रेट होता है, यूनीप्रोट के बी में, और ये कब से इंटीग्रेट हो रहा है PIR का डेटा यूनीप्रोट के बी में, सिंस 2003। ओके,
सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिप्रॉट. थ्रेटिकली हम जितना भी बात कर सकते हैं ना, बाकी इंशाल्लाह हम इसको एक्सप्लोर करके देखते हैं एंड फिर देखते हैं ये हमें किस किस तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. ओके, तो आई होप कि आप लोगों को एब्रीवेशन और इस तरह जो थोड़ी बहुत आपको बेसिक इसकी क्लियर हो गई होंगी. एंड अब हम इसके प्रैक्टिकल लाइक के ऑनलाइन चलते हैं इसकी डेटाबेस की तरह. सो स्टूडेंट्स, लेट्स ओपन यूनिप्रॉट हियर. जस्ट राइट यूनिप्रॉट. जस्ट क्लिक द पॉज बटन. ओके, सो दिस इज द होम पेज ऑफ यूनिप्रॉट डेटाबेस. ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इधर मैं आपको बता रही थी इसके कंपोनेंट्स का. यूनिरेफ, यूनिपाथ एंड प्रोटियोम, तीन कंपोनेंट है इसके. ठीक है, थोड़ा मैं इसको जूम करती हूँ. ओके, सो द मिशन ऑफ यूनि व्हाट्स द मिशन ऑफ यूनिप्रॉट. इट्स टू प्रोवाइड द साइंटिफिक कम्युनिटी विद द कॉम्प्रिहेंसिव high quality and freely accessible source of protein sequence and functional information. इसका मतलब है इसका इस डेटाबेस को बनाने का मिशन ये था कि ये कम्युनिटी को मतलब लाइक हम लोगों को हम जो रिसर्चर्स हैं हमें प्रोटीन की सीक्वेंस और इसकी जो फंक्शन इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना, वो भी फ्रीली. अच्छा, अब इसके कंपोनेंट में लिखा हुआ है कि आप अगर यूनिप्रेफ, इसका यूनिप्रेफ कंपोनेंट जो है वो आपको कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा. ये आपको दी यूनिप्रॉट रेफरेंस क्लस्टर प्रोवाइड क्लस्टर सेट्स ऑफ सीक्वेंस फ्रॉम द यूनिप्रॉट नॉलेज बेस इंक्लूडिंग आइसोफॉर्म्स एंड सिलेक्टेड यूनिपाथ रिकॉर्ड्स. ओके, अब यूनिपाथ क्या होगा. यूनिपाथ इज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड नॉन रिडंडेंट डेटाबेस दैट कंटेन्स मोस्ट ऑफ द पब्लिकली अवेलेबल प्रोटीन सीक्वेंसेज इन द वर्ल्ड. जितना भी नॉन रिडंडेंट डाटा होगा प्रोटीन सीक्वेंसेस का वो कहाँ पड़ेगा, पड़ा होगा यूनिपाथ में. एंड प्रोटियोम्स, प्रोटियोम्स में क्या होता है, हमने आगे बात की थी कि प्रोटियोम में जितना भी प्रोटीन का सेट ऑफ प्रोटीन जो होगा वो सारा सारा कहाँ फाइंड कर सकते हैं, प्रोटियोम में. ओके, अच्छा ये ना यूनिप्रॉट नॉलेज बेस है ये वाला, इधर एक सेक्शन है इनका यूनिप्रॉट के भी. हम के भी नॉलेज बेस सिस्टम की बात कर रहे थे ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसके पीछे रन होती है और ये वो. अच्छा, अब यूनिप्रॉट नॉलेज बेस अगर आप यूज़ करना चाहते हैं इसमें दो तरह की कैटेगरीज हैं इसमें. द फर्स्ट वन इज स्विस प्रॉट. स्विस प्रॉट इज ऑल्सो प्रोटीन डाटा बेस एंड सेकेंड वन इज ट्रैम्बल. आप स्विस प्रॉट और ट्रैम्बल में क्या डिफरेंस है. स्विस प्रॉट में जितना भी डाटा पड़ा होगा वो कैसे एनोटेट किया होता है, मैनली एनोटेट किया होता है एंड रिव्यूड होता है. ठीक है, जो भी जैसे हमने बात की थी ना उसकी NCBI पे, हमने जैसे रफ सीक और जेन बैंक की बात की थी ना, तो उसमें क्या था, जेन बैंक में नॉन रिडंडेंट डाटा पड़ा होता है और रिव्यूड नहीं किया होता, रिसर्चर आराम से करवा सकते हैं हमारा डाटा. लेकिन उसकी जो रफ सीक डाटाबेस थी वो भी NCBI ही की थी. तो मैंने आपको बताया था कि उसमें NCBI का डाटा जो है NCBI वाले ही हैंडल करते हैं और वो रिव्यूड डाटा होता है. इसलिए मोस्टली हम लोग प्रेफरेंस देते हैं कि जो डाटा हम लोग रफ सीक से लें वो ज़्यादा थोड़ा ऑथेंटिकेट होता है, बिकॉज उसके यूनी जो NCBI के मेंबर्स होते हैं ना उन्होंने उसको रिव्यूड किया होता है. तो स्विस प्रॉट से आपको रिव्यू डाटा मिल जाएगा, तो इसलिए मोस्टली हम लोग ना इसको प्रेफरेंस देते हैं. रिकॉर्ड्स विद इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिटरेचर एंड क्यूरेटेड एवेल्युएटेड कंप्यूटेशनल एनालिसिस. तो इसमें जो स्विस प्रॉट में सारा नॉलेज पड़ा होता है वो कहाँ से, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से हमने एक्सट्रैक्ट की होती है, लिटरेचर से या फिर क्यूरेटर जो है इसको कहाँ से एवेलुएट करते हैं, कंप्यूटेशनल एनालिसिस के थ्रू एवेलुएट करते हैं. ठीक है, और जो इन्फॉर्मेशन को क्यूरेटर्स होते हैं एवेलुएट करते हैं, कंप्यूटेशनल एनालिसिस यू नो वो ब्लास्ट परफॉर्म करके कोई इन्फॉर्मेशन आगे फर्दर उस पर कर लें, उसकी अलाइनमेंट करवा के कोई उसका फर्दर देख लें या एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उसका फाइंड करके देख लें या कुछ भी आप जो भी आप आगे उस डेटा पे एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करना चाह रहे हैं. द नेक्स्ट वन इज ट्रैम्बल. अब ट्रैम्बल में कौन सा डेटा पड़ा होता है, ऑटोमेटिकली एनोटेटेड, ये कंप्यूटराइज्ड वे में एनोटेटेड होता है और नॉट रिव्यूड, रिव्यूड नहीं होता इसमें डेटा. ठीक है, इसमें रिकॉर्ड्स डेट अवेट फुल मैनुअल एनोटेशन. उसमें मोस्टली वो रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि वेट कर रहे होते हैं कि इनका फुल मैनुअल एनोटेशन इनकी आए. तो आपने देखा होगा स्विस प्रॉट में डाटा एंट्रीज कितनी कम है और ट्रैम्बल में डाटा एंट्रीज बहुत ज़्यादा हैं.
ये थोड़ा नंबर ऑफ डेटा जो है स्विस क्लाउड में इसलिए कम है क्योंकि इस यहाँ पर सिर्फ ऑथेंटिक डेटा और रिव्यूड जो किया हो ना बकायदा पीछे जो पर्सन इनके होते हैं जो इस डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं उन्होंने बकायदा रिव्यूड किया होता है। इसमें यहाँ पर डेटा जो है वो लेस नंबर में होता है और यहाँ पर हर किस्म का डेटा होता है ना। तो इसलिए अगर आपने इन दोनों डेटाबेसिस में से मोस्टली हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे कुछ ही सपोर्टिंग डेटा प्रोवाइड कर रहा है लाइक अगर आपको लिटरेचर साइटेशंस वगैरह और क्रॉस रेफरेंस डेटाबेसिस वगैरह दे रहा है और टैक्सोनॉमी प्रोवाइड कर रहा है अगर आपको अपनी स्पीशीज की कोई टैक्सोनॉमी वगैरह देखनी है इकोलॉजी की जैसे हम बात करते हैं उसकी देखना है पीछे उसके लाइक टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन क्या है वो आपको प्रोवाइड करेगा। या आप देख रहे हैं कोई प्रोटीन वगैरह सर्च कर रहे हैं और वो किस डिजीज वगैरह में इन्वॉल्व हैं तो आप ये बताएगा या सब सेलुलर लोकेशंस वगैरह बता सकता है कि सेल के किस रीजन में जाकर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट कीवर्ड्स वगैरह लगाकर अपना डेटा जो है सर्च कर सकते हैं प्रोटीन या जीन प्रोटीन्स वगैरह का। ठीक है सो दीज आर द सर्विसेज इज प्रोवाइडेड सो गेटिंग स्टार्टेड। अच्छा स्टूडेंट ये काम की चीज़ है गेटिंग स्टार्टेड से। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट सर्च सो इसमें आ रहा है कि यहाँ पर बेसिक टेक्स्ट सर्च अलाउज यू टू सर्च ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल। जो टेक्स्ट सर्च ऊपर आ रही है ये टेक्स्ट बार जो आ रहा है ना ओके लेट मी तो ये जो सर्च बार आ रही है ना यहाँ पर ये आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। ठीक है उसके बाद हमारे पास सेकेंडली है आपके पास यहाँ पे हमारे पास दूसरी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ब्लास्ट की। यहाँ पर हमारे पास सॉरी हम कह सकते हैं ब्लास्ट की फैसिलिटी या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये वाले। ठीक है तो आप जो ब्लास्ट जो है एनसीबीआई पे करते हैं अगर आप यहीं से डेटा प्रोटीन का लेते हैं और उसको एनसीबीआई पे आप नहीं जाना चाहते ब्लास्ट के लिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली जो है ब्लास्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बल्कि ब्लास्ट जो है वो करवा कर देखना है। ब्लास्ट आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सीखा है तो आई रिकमेंड यू कि आप ना इसको ना आई सजेस्ट यू कि आप ना इसको यहाँ से ब्लास्ट को रन करवा के देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं सीक्वेंसेस की। ये काम भी हम लोग कर चुके हैं प्रैक्टिकली भी और थ्योरेटिकली भी हो चुका है। सो अलाइनमेंट में क्या करता है अलाइन टू और मोर प्रोटीन सीक्वेंसेस यूजिंग द क्लस्टर ओमेगा प्रोग्राम। तो आई थिंक ये लाइन पर क्या आपको समझ आ गई होगी कि ये आपको मल्टीपल अलाइनमेंट जो है वो प्रोवाइड करता है और इसमें कौन सा प्रोग्राम यूज होगा क्लस्टर ओमेगा प्रोग्राम यूज होगा। तो आई सजेस्ट कि आप लोगों को ये सीक्वेंस अलाइनमेंट जो है ये भी यूज करके देखना चाहिए जो यूनिप्रॉट पर पड़ा हुआ है। इसका फायदा क्या है आपने क्लस्टर डब्ल्यू यूज करके देखा आपने मसल यूज करके देखा अभी ये होगा कि आप क्लस्टर ओमेगा भी यूज करके देख सकते हो। और ये सारी फैसिलिटीज इसलिए डेटाबेस पे रखी जाती है सपोज आप कल को कोई डेटाबेस बनाते हो आपने भी वहाँ प्रोटीन का सपोज कोई भी स्ट्रक्चर ये जीन ऑन्टोलॉजी वगैरह जैसे डेटा होता है ना प्रोटीन का वो आपने कुछ इस तरह का ऑन्टोलॉजी से रिलेटेड डेटा रखा हुआ है तो और अगर आपने वहाँ सीक्वेंस का डेटा भी साथ प्रोटीन सीक्वेंस का डेटा भी रखा होगा तो अब क्या होगा कि आप भी इस तरह की वहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो ज़रूर या इस तरह की फैसिलिटीज़ अपने यूजर्स को ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ताकि वो वहीं से डेटा रिट्रीव करें और वहीं पर फर्दर अलाइनमेंट या ब्लास्ट वगैरह करवा कर दे सकें उन्हें किसी दूसरी डेटाबेस पर स्विच नहीं करना पड़े। एंड रिट्रीव आईडी मैपिंग बैच सर्च विद यूनिप्रोट आईडीज और कन्वर्ट देम टू अनदर टाइप ऑफ डेटाबेस आईडीज ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है लेकिन अभी आपको समझ नहीं आएगा ये जब हम ये डेटाबेस को कर लेंगे उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ये ना सर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा है बहुत छोटा सा पॉइंट होता है लेकिन हमें इसको करने में ढूंढने में बहुत टाइम लग जाता है जब अपनी सर्च में इस तरह का हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है। सो नेक्स्ट वन इज पेप्टाइड सर्च। पेप्टाइड सर्च में आप क्या कर सकते हैं अच्छा ये सबको ना क्लिक कर करके हम लोग इसके अंदर जाकर लाइक ब्लास्ट को क्लिक करेंगे तो ये ब्लास्ट का आगे आ जाएगा पेज और इसी तरह से सीक्वेंस अलाइनमेंट को क्लिक करेंगे तो सीक्वेंस अलाइनमेंट का आ जाएगा। मैं इसलिए क्लिक नहीं कर रही कि बेसिकली मेरा जो पर्पज़ है इस लेक्चर का वो ये है कि यूनिप्रॉट डेटा बेस को एक्सप्लोर करना एक्सप्लोर क्या करना आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना कि इसकी लेआउट किस तरह से है और आप खासतौर पर इनकी तीन कंपोनेंट जो है ना इनको यूज करते हुए डेटा किस तरह का प्रोटीन का किस किस तरह का डेटा ये आपको प्रोवाइड करता है। ओके तो पर प्राइवेट सर्च में हम क्या कर सकते हैं फाइंड सीक्वेंसेस दैट एग्जैक्टली मैच आर क्यूरी पेप्टाइड सीक्वेंस। और यहाँ यूनिप्रोट डाटा में पड़ा हुआ है आप डाउनलोड लेटेस्ट डाटा डाउनलोड कर सकते हो स्टेटिस्टिक देख सकते हो किस किस की स्विस प्रॉट और ट्रैम्बल की स्टैटिस्टिक कितनी है कि यहाँ कितना डाटा प्रेजेंट है और इस वाली में कितना प्रेजेंट है ये मैंने आपको बताया ना अभी ऊपर कि अगर आप यूनिप्रॉट के बी को से डाटा जो है वो लेना चाह रहे हो तो आपको स्विस प्रॉट और ट्रैम्बल दो तरह का डाटा जो है दो डाटा बेसिस में रखा होता है फर्दर।
सो इफ़ यू वॉन्ट टू साइट, अगर आप इस यूनिप्रॉट को किसी भी एनालिसिस के लिए यहाँ से डेटा रिट्रीव के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको साइट कैसे करोगे? आप अपने पेपर वगैरह में या थीसिस में साइट करना होता है ना ये डेटा जो हमने किस डेटाबेस से लिया है, तो ये आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपको बताएगा आप इसको कैसे साइट कर सकते हो। और अगर आपने कुछ वर्क किया है, कोई सीक्वेंस वगैरह या अपनी कोई पब्लिकेशन वगैरह या एनोटेशन अपडेट्स देना चाह रहे हैं यहाँ पर कोई, तो अपना डेटा जितना जो भी डेटा सबमिट करवाना है वो यहाँ करवा सकते हैं। सपोज आपने कोई प्रोटीन का किसी प्रोटीन पर काम किया है लेबोरेटरी में, आपने उसकी सिक्वेंसिंग के रिजल्ट्स वगैरह जैसे आते हैं वो सबमिट करवाने के लिए आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करें, ठीक है। एंड प्रोग्रामेटिक एक्सेस, अगर आपने प्रोग्राम को यूज़ करते हुए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए इस डेटाबेस को एक्सेस करना है, तो आपको वो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, सो क्यूरी यूनिप्रॉट डेटा यूजिंग APIs आर प्रोवाइडिंग REST, SQL एंड जावा सर्विसेज। तो ये सारी सर्विसेज जो हैं आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो वी शुड स्टार्ट फ्रॉम, ओके लेट्स स्टार्ट फ्रॉम प्रोटियम। और ये ना जो हम बात कर रहे थे ना, ये ब्लास्ट, अलाइन, रिट्रीव, ये सारा कुछ यहाँ सर्विसेज अवेलेबल है, आप यहाँ से भी इन पे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट फ्रॉम प्रोटियम। ओके, तो जो प्रोटियोम इसका कंपोनेंट है, इस पे देखें किस तरह का डाटा पड़ा हुआ है। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, टोटल कितने ऑर्गेनिज्म है इस डेटाबेस में, यहाँ ये बता रहा है, लेट मी 2 लाख एंड समथिंग, ठीक है। कितने ऑर्गेनिज्म का प्रोटियोम प्रेजेंट है? ऑलमोस्ट 2 लाख बनते हैं ना, 2,81,000 ऑर्गेनिजम्स का यहाँ पर प्रोटियोम आपको अवेलेबल है। ओके, तो यहाँ पे आपने ना, यहाँ एक पेज पे ये टोटल कितना आपको शो करेगा, 25 तक आपको प्रोटियोम नजर आ सकते हैं। यहाँ से ना आप ज्यादा भी इसको कर सकते हैं, 250 तक देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको चेक करेंगे ना एक पेज पे, 250 तक आएंगे, फिर फर्दर नेक्स्ट पेज करते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आपको बता रहा है, सबसे पहले इसने यहाँ पर प्रोटियोम की डेफिनेशन बताई हुई है। प्रोटियोम क्या होता है, डेफिनेशन को दोबारा बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी प्रोटियोम की को। और रेफरेंस जीनोम का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि रेफरेंस जीनोम जो है वो ऐसा है कि मॉडल्ड ऑर्गेनिज्म जो है वो फुली सिक्वेंस भी होना चाहिए और एनोटेटेड भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेफरेंस प्रोटियोम जहाँ जहाँ होता है ना, देखिए वहाँ RR इस तरह का मैंने कहा था आप लोगों को ना, ये आइकन इस तरह का नजर आएगा इसका। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ ना फिल्टर दिए हुए हैं, चलिए सबसे पहले हम ना इसकी बात करते हैं। ये देखें, ये एक स्पीशी है हमारे पास, आई थिंक ना कॉलोबैक्टर, ये बैक्टीरिया है और ये उसकी स्ट्रेन है आगे, ठीक है। और इसका जो प्रोटियोम है उसको उन्होंने